आज के डिजिटल युग में अभिनय में रुचि रखने वाले कलाकारों को कई बेहतर प्लेटफॉर्म मिले हैं, तो वहीं दूसरी ओर नई नई प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले कई युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के पीतमपुरा में जीनियस लॉयंस प्रोडक्शन का पदार्पण हुआ। इस मौके पर दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र तोमर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। पूर्व मंत्री ने इस शुरुआत के लिए प्रोडक्शन कंपनी के पदाधिकारियों को बधाई का पात्र बताया। उन्होंने कहा कि आज का युवा देश के विकास को एक नया आयाम दे रहा है, लिहाजा उम्मीद है कि ये संस्थान भी समाज को साथ लेकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर जीनियस लॉयंस प्रोडक्शन के पदाधिकारियों ने भी अपनी भविष्य की योजनाओं पर लेकर के खास बातचीत की। देखिए, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि जीनियस लॉयंस प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर एक शुरुआत कर रहा है बहुत बड़ी, और आज ग्रैंड ओपनिंग है यहाँ पर स्टूडियो की। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, अपने दोनों भाइयों को। मेरे पारिवारिक सदस्य हैं ये लोग, और बहुत सालों से हमारा इनके परिवार के साथ रिश्ता रहा है। और क्योंकि आज यह ग्रैंड ओपनिंग थी और मुझे भी यहाँ उन्होंने बुलाया था, अभी केक कटिंग सेरेमनी हुआ है, ऐसे लगातार कार्यक्रम चलेंगे, और तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ मन भाई को भी और पुनीत भाई को भी, कि दोनों बहुत मेहनत और लगन के साथ इस काम में लगे हुए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि ये प्रोडक्शन हाउस बहुत आगे तक जाएगा। अभी ये सुन रहा था, बहुत सुंदर सुंदर गाने इनके चल रहे थे, पहले भी इन्होंने बहुत सुंदर शूट्स किए हैं, और आगे मुझे पूरी आशा है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं इन दोनों भाइयों को कि बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत नाम होगा। जीनियस लॉयंस ने अपना म्यूजिक स्टूडियो खोला है, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टूडियो है, और सारे अरेंजमेंट, यहाँ के इक्विपमेंट सब बहुत बेस्ट हैं, और इन लोगों के काफ़ी म्यूजिक वीडियो एल्बम आ गई है जो कि बहुत अच्छे, जिनको लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी ये स्टूडियो खोलने के बाद ये बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आज के दौर में हर चीज़ डिजिटल है, और जितना ये आगे बढ़ रहे हैं मुझे उम्मीद है ये बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। आज हमने अपनी ग्रैंड ओपनिंग करी है म्यूज़िक स्टूडियो की, जिसमें हमारे ये सेलिब्रिटी गेस्ट सिंगर अबीर वर्ल्ड जी आए हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जितने भी सिंगर, रैपर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हैं हमारे लिंक में, फिल्म डायरेक्टर शिवा दादू हैं, वो सब हमारे एक बार कहने पे आ गए, और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस। शौक था कि कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी नहीं, सफ़र ऐसे निकालना। सो पहले मॉडलिंग करी, ट्राई करा, काफ़ी सारे एड्स करे, फिर टीवी एड्स करे, म्यूज़िक वीडियोस करी, मूवीज़ में काम करा, फिर सोचा कि क्यों ना जो स्ट्रगल मैंने देखा है वो आने वाले यूथ को एक सही रास्ता दिखाने के मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। तो मैंने खुद अपना म्यूज़िक स्टूडियो खोला, अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, और जितने भी स्ट्रगलर हैं बच्चे जिनको पाथ नहीं मिल पा रहा सही, उनको हम सही गाइड करते हैं और अपने साथ शूट में भी लेते हैं और आगे उन्हें रास्ता दिखाते हैं। ये हमारा अपना जीनियस लैंड प्रोडक्शन हाउस, सिंस 20 ईयर्स हम काम कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी तरफ से बेस्ट प्रतिभा निकाल के देते हैं लोगों को, जिससे कि वो बेस्ट रिजल्ट निकाल के अपनी प्रतिभा शो करें, कि वो अपने आप को कहाँ दिखाते हैं मार्केट में, कि वो अपना क्या टैलेंट अपना दिखा सकते हैं, और वो लाइफ में अपने आप को जो शो करना चाह रहे हैं वो उस हद तक अपने आप को पहुँचा सकते कि नहीं पहुँचा सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी हमने नया अपना म्यूज़िक स्टूडियो लॉन्च किया है, वैसे हम शूट्स वगैरह कर रहे थे, काफ़ी सालों से हम शूट्स कर रहे हैं, वेब सीरीज़ भी की है। शिवा दादू जी अगर होंगे इधर तो उपस्थित, वो हमारे डायरेक्टर हैं। अभी MX प्लेयर पे हमारी एक वेब सीरीज़ आ रही है, जिसके अंदर एक टाइटल सॉन्ग है, जिसमें मैं, मन बेनीवाल, पुनीत जी और हमारे एबी ब्रो, एबी ये हमारे जो एबी ब्रो हैं ये हमारे म्यूज़िक कंपोज करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक कंपोज करते हैं। तो इनका जब म्यूज़िक मार्केट में आता है ना, तो लोग बाग नाचने लग जाते हैं।